हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो हमारे साथ अमित भाई आया हुआ है अभी, जो देवेश भाई के साथ स्कूल में साथ पढ़ा था। बिल्कुल, कितने साल बाद मिल रहा है देवेश? कितने साल बाद मिल रहे भाई? भाई टाइम याद नहीं है, भाई की शादी हो गई है, बच्चे हो गए हैं। तो अभी 2010 के बाद अब मिल रहे हैं गाइस। देखिए, तो अभी हम जस्ट घर से निकले हैं, देखते हैं। कोई नहीं, तो मैं भाई देखते हैं अभी क्या होता है सीन आगे, कहाँ भाई हमें घुमाते हैं। और अभी हम ये देखिए वादियाँ, अभी रोड बिल्कुल सलोड़ा, कितना नीचे है बिल्कुल। कहाँ मिलते हैं, जल्दी मिलते हैं भाई। अब ये देखिए गाड़ी आड़ी आ रही है, ड्राइव भी करना है आपके लिए ब्लॉग भी शूट कर रहा हूँ। तो जान हाजिर है गाइज आपके लिए, और तो कुछ नहीं है, नीचे उतार लेते हैं, रास्ता थोड़ा खराब है, मिलते हैं आगे। हम किटकुल जा रहे हैं, अब यहाँ से हम लेंगे राइट। अब आपको ये दिखाता हूँ, ये आगे कहाँ गए? रिकॉन्पियो प्लाजा, ये हम इसमें एंट्री कर दिया हमने। ये सतलुज है भाई, लेफ्ट में डैम दिखा दे। ये सतलुज है भाई, सतलुज नदी, हवा चल रही है बहुत मस्त। यहाँ से राइट ना ब्रो, लेफ्ट है भाई। आर्मी के ट्रक्स है यहाँ पे, आर्मी के जवान। यहाँ से हमने एंट्री कर दी है भाई। ये सतलुज नदी का पानी ऊपर से आ रहा है और इधर जा रहा है, आगे जाके ये डैम है गाइस, डैम। यहाँ से पूरे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस है 300 मेगावाट। अभी हम यहाँ से हम और ऊपर जाएंगे, जो लास्ट विलेज है वहाँ पहुँच के आपको एंट्री कराता हूँ भाई। हम यहाँ टुक्का वैली में एंट्री कर दी हमने, अब जा रहे हैं संगला की ओर। संगला के बाद हम फिर चिटकुल, क्या बच्चम रक्षम रक्षम भाई। इतनी हाइट पे भी पेट्रोल पंप है गाइस। यहाँ देखिए आप लोगों के लिए सिर्फ, कि आप लोग यहाँ घूमने आए तो देन आप फुल एंजॉय कर सको, जहाँ पूरा फुल एंजॉय आपको करवा सके कि भाई तेल डलवाओ और चलते रहो, बस चलते रहो चलते रहो, और कुछ नहीं भाई। ये संगला का बस स्टैंड है, ये बस स्टैंड आपको दिख रहा होगा भाई। ये संगला का बस स्टैंड पहुंच चुके हैं अभी, आप नेट पे सर्च कर सकते हो संगला कहाँ है। चिटकुल से थोड़ा पहले है, टूरिस्ट प्लेस है ये। ऊपर बर्फ आपको दिख रही होगी और मैं बैठे हैं अभी। तो हम यहाँ से अभी निकल चिटकुल की तरफ, थोड़ा सा अलग लग रही है, थोड़ा सा खाते फिर चलते हैं भाई। संगला में हम पहुँच चुके हैं। संगला ये मेन बाजार है, इस पर रेस्टोरेंट है जो बहुत बढ़िया, क्योंकि इसमें हम अपने मनपसंद का गाना चला रहे हैं। भाई ने हमारा पूरा साथ दिया है, अभी खाना आता है, खाना खाते हैं और अपना गाना बज रहा है और हम अपने गाने पे यहाँ पे बैठ के एंजॉय कर रहे हैं। देवेश भाई बैठे हैं, अमित भाई बैठा है और भाई हम फिर खाना खाते हैं। खाना खा के भाई फिर यहाँ से निकलेंगे, उसके बाद बाहर का व्यू तो मैंने आपको दिखाया था, मैं आपको एक बार फिर दोबारा दिखा देता हूँ। ये देखिए भाई बाहर का व्यू है गाइस, ये टोटली ऊपर बर्फ है, ये सारी बर्फ़ है टोटल, मैंने जूम करके दिखाया आपको, ये सारा बर्फ़ है ऊपर, वहाँ पर बर्फ़ है, ये रही ये बर्फ़ ऊपर, टोटली बर्फ़ है ये बाहर का। यहाँ बैठ के भी खाना खा सकते हैं, खाना खा सकते हैं अंदर, सारा बैठ के टोटली खाना खा रहे हैं। जल्दी से मिलते हैं भाई, खाना आ रहा, लेट हो रहा है, फिर आगे जाएंगे चिटकुल। चिटकुल से पहुँच के फिर हमको वापस घर भी जाना है, जल्दी देखते हैं। ओके, देवेश भाई ने भी खाना खा लिया है, अमित भाई ने भी खाना खा लिया, आप देख पा रहे होंगे। तो अभी हम जस्ट यहाँ से निकलते हैं, इधर से हम आए थे जो टापरी मतलब किन्नौर की तरफ, ने ऊपर आप पहाड़ देख पा रहे होंगे, ये पूरा वाइट पहाड़, ये बर्फ़ है टोटली ये ऊपर। और हम यहाँ से अब निकलते हैं, चले भाई निकलते हैं अपनी और आगे काफ़ी। नेक्स्ट स्टॉप क्या होगा? अब नेक्स्ट स्टॉप हमारा होगा छिटकुल होगा ना, रक्षम होगा, उसके बाद चिटकुल होगा, रक्षम देन फिर चिटकुल। अपने भाई का वीडियो यूं ही देखते रहिए देखते रहिए, नए नए अपडेट्स आते रहेंगे इनके चैनल के थ्रू। अब आपको दिखाता हूँ, बादल नीचे है और पहाड़ ऊपर है, ये देखो बादल नीचे पहाड़ ऊपर, जूम तो इतना बेस्ट है कि आप पहाड़ नीचे बादल ऊपर, क्या कॉम्बिनेशन, पहाड़ ऊपर बादल नीचे है, ये देखो पहाड़ नीचे बादल ऊपर, ये देखो पूरा टोटली व्हाइट। बाकी आपने इंट्रोड्यूस नहीं करा वो शॉप, मैं देखता हूँ मैं कहाँ है वो, अपनी हरियाणा की शॉप मैं भी दिखाऊँ। ये हरियाणा झटका मीट शॉप भाई, हम तो खाते नहीं है, तो खाते नहीं है खैर, लेकिन जिस भाई खाना, मतलब हरियाणा के नाम से ना यहाँ पे शॉप है, देखो आप
मुझे तो यकीन नहीं हो रहा भाई, ये अपनी गाड़ी रेडी है आगे पढ़ने के लिए। देखो यार, चिकन विकन नहीं खाना चाहिए, ठीक है? बट जिसको खाना है वो हरियाणा जिसका मेरे शॉप जाके खरीद के खा सकता है, खा सकता है। हम तो नहीं खाते, हम तो खाना नहीं चाहिए। बाकी हम तो वेजिटेरियन, आप जानते ही हो। बाकी मिलते हैं हम आगे वाले नेक्स्ट वाले विलेज में। ओके गाइज, काफी लंबा ड्राइव करके आए हैं राजस्थान, जोधपुर, फिर हरियाणा, चंडीगढ़, देन यहाँ चाइना, मतलब चाइना बॉर्डर है ये लगा लो आप, क्योंकि लास्ट विलेज है, क्योंकि इस डिस्ट्रिक्ट की जो बाउंड्री है वो चाइना वहाँ भी लास्ट विलेज है, इंडिया का लास्ट विलेज है बोले तो हिमाचल किन्नौर डिस्ट्रिक्ट का ये लास्ट विलेज है। और ये देखिए बर्फ बिल्कुल नीचे आती जा रही है, मतलब ये पूरी ये जैसे कहते हैं वो भाई ग्लेशियर पूरा नीचे आ गया, ये देखो ये तो बिल्कुल हमारी गाड़ी से भी नीचे बर्फ जा चुकी है। और रात में इसका टेम्परेचर बहुत ही ज्यादा कम, बहुत कम। अमित भाई तो पीछे सो गए हैं, वो थके हुए हैं, और बाकी हम अच्छे से इंजॉय कर रहे हैं। मैं दुआ करता हूँ आप भी कभी आओ यहाँ, इंजॉय करो। ये स्वागत कर रहा है चिटकुल में, स्वागत है आपका। चिटकुल 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 चिटकुल। गाइस मैं कुछ गलत बोल गया हूँ तो उसके लिए सॉरी, बट आप मेरी फीलिंग को समझ जाओ यार। भाई बस स्टॉप है चिटकुल का, ये HRTC की बस खड़ी है सामने, आप देख पा रहे होंगे। ये हम पहुंच गए हैं लास्ट हिंदुस्तान का आखिरी ढाबा। कहाँ लिखा है दिखाएंगे जब दिखाएंगे, दिखा देंगे गाइस हम दोबारे। जा सकते हम नहीं, मोड़ दो। नहीं जा सकते, मोड़ना पड़ेगा भैया। हम खड़ी कर देते हैं थोड़ी सी। ये पानी जो है साफ है, कौन सा? हाँ पानी साफ है, कौन सी बोतल में? इसमें नहीं, यहाँ से आगे शुरू होगा चाइना के बॉर्डर। मेरे पीछे जवान खड़े हैं, मैं इनसे अभी मिल के आया हूँ। ये मतलब लास्ट है, इसके आगे हम नहीं जा सकते हैं। इसके आगे मतलब नियर अबाउट 60 किलोमीटर पे, मतलब जो इंडिया चाइना का बॉर्डर है वो है 60 किलोमीटर बाद बॉर्डर है, और जो हमारे जवान है वो लगभग 40 किलोमीटर तक उनकी लास्ट पोस्टिंग है, मतलब लास्ट जो पोस्ट है तो वहाँ पे उनके सभी जवानों की पोस्टिंग है वहाँ पे। तो अभी हमने पूछ लिया है कि भाई यहाँ से आगे नहीं जा सकते हैं। मैं चलो ठीक है, तो हम अभी थोड़ा नीचे जाके घूम के आते हैं, हम आपको दिखाते हैं जहाँ से पानी आया हुआ, यहाँ चलते हैं, फिर यहाँ से हम आपको ले कर चलेंगे। ये हमारे दोनों भाई। हाँ भाई लड़को, क्या हाल है? ये धराटे काट रहे हैं, मौज मार रहे हैं। अभी चलते हैं नीचे गाइस, आपको नीचे मिलवाता हूँ फिर भाई पानी से। हम पानी देखते हैं, इंजॉय करते हैं, चलते हैं भाई। यहाँ पे इतनी भीड़ आ रहे हैं पीछे, बट कोई यहाँ तक नहीं आया है। देखिए पीछे बाइकें खड़ी हैं, मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे हमने अपनी, मैं अपनी कार दिखाता हूँ, हमने अपनी डिजायर कहाँ, ये देखो गाइस, ये हमने अपनी गाड़ी खड़ी कर रखी है, हमने यहाँ पे अपनी गाड़ी खड़ी कर रख के। ये देखिए पूरा पानी बहुत ही आ रहा है। अब ये देखो ये बर्फ़ भी आपको दिखा, ये ऊपर बर्फ़ आ रही है, ये देखिए ये बर्फ़ पिघल के ऐसे नीचे आ रही है। अब यहाँ पे हम, बहुत ठंडा पानी है, मैं इसमें हाँ बैठ के दिखाता हूँ आपको। ये देखिए इतना चिल्ड पानी है, इतना चिल्ड पानी है, बहुत ही ज़्यादा। एक्चुअली मैं अकेला हूँ यहाँ पे अभी, तो देश तो वहाँ गाड़ी में बैठा है। हाय बहुत ठंडा पानी है भाई, बहुत ही ज़्यादा ठंडा पानी है, मतलब बर्फ़ है टोटली है। ये देखिए गाइस पानी है। यहाँ से चलते हैं अभी, हमें को अपनी डिजायर आपको दिखाता हूँ। डिजायर हमारी दिख भी नहीं रही होगी, मैं थोड़ा जूम करके, ये हाँ ये रही हमारी गाड़ी। अभी हमको यहाँ जाना है, कम से कम लगेंगे 15-20 मिनट लगेंगे पैदल पैदल। पानी देखो कितनी तेज़ गाइस, कितना तेज़ पानी चल रहा है।
भाई ये देखिए, ये लास्ट है चिटकुल फास्ट। ये अपना यहाँ से मैं दिखा, देखिए ये ऊपर से टीन से ना मतलब पानी टपकता है, तो ये देखो ये नीचे बर्फ़ है, ये आपकी टोटली बर्फ़ पड़ी है, काफ़ी देर से पिघल नहीं रही है। देखिए ये देखो, ये देखो ये बर्फ, ये देखिए ये भाई, ये बर्फ़ तगड़ी वाली बर्फ़ है। हम ये देवेश के ऊपर छोटी सी, ये तो वापस नीचे गिर गई, कुछ होता होगा। भाई अंदर चलते हैं, छोटी सी किचन है यहाँ पे। हाँ ये भाई हमारी चाय बन रही है, कॉफ़ी बन रही है, मोमोज बन रहे हैं, और ये बाहर का व्यू। शीशे से मेरे हाथ बिल्कुल ठंडे हो चुके हैं कि हमारा सक्सेसफुल हो गया लास्ट विलेज में आके यहाँ पे। बाकी अभी चलते हैं वापस अपने घर थोड़ी देर बाद, चाय जो पी के, और तो कुछ नहीं है। देखते हैं भाई इस जगह आके चाय पियो, काफ़ी टेस्टी चाय बनाते दीदी। हाँ बिल्कुल। बाकी मैं आपको एक व्यू, ये मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ अभी एग्जैक्टली। ये देखिए तो। ये जो आपको दिख रही है बर्फ़, ये ऊपर से बर्फ़ आई है। मैं थोड़ा और जूम करके दिखाता हूँ, देखिए ये पानी आप देख पा रहे होंगे, ये पानी आ रहा है, बनता हुआ दिख रहा है हमें। ये मतलब बर्फ से ये पानी, ये देखो नीचे आ रहा है। वाटर के दो स्टेट दिखाई दे रहे हैं, सॉलिड स्टेट लिक्विड स्टेट। बिल्कुल बिल्कुल, ट्रांसफॉर्मेशन दिख रहा है उनमें, वो एकदम इक्विलिब्रियम में। हाँ, और यहाँ से फिर ये नीचे आया हुआ है, यहाँ से नीचे बह के। ये सतलुज है ना ये? हाँ ये सतलुज है शायद, अभी रुको एक मिनट पूछता हूँ। बासपा है ये, आगे जाके सतलुज में मिल जाएगी, ठीक है, सतलुज में मिल जाएगी जो आगे तक गई हुई है। टोटल प्रॉपर पूरा पहाड़ी पहाड़, पूरी पहाड़ी पहाड़। आज 30 अप्रैल, तो 30 अप्रैल भी देखने के बाद इतनी गर्मी होती है हमारे गुड़गांव में, दिल्ली में है, तो यहाँ तो ठीक है। ये देखो छोटी सी दीदी की किचन है, मस्त बनी हुई है। यहाँ पे हम कुछ खा लेते हैं फिर चलते हैं। भाई हम आ गए अभी चिटकुल, जो मतलब बॉर्डर से थोड़ा सा मतलब है तो आखिरी गांव, बट वो तो आईटीबीपी की पोस्ट थी। ये जो गांव में जो ये हैं घर, इनके गेस्ट हाउस बनाए हुए हैं, अभी मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए भाई ये बॉर्डर मैप सांगला, ये आपका बॉर्डर की पूरी डिटेल है। ये हाइट भैया एक्टेरिया है, सारी चीज़ है भाई सारी। और यहाँ पे है भाई हिंदुस्तान का आखिरी ढाबा, आखिरी ढाबा मतलब इसके बाद कोई है नहीं। ये हमारे दिवेश भाई, अमित भाई, और ये सारा सूरज भाई ढलने की पूरी तैयारी कर चुका अपनी। देखते हैं अभी नीचे जाते हैं, कुछ देखते हैं भाई, और तो क्या है, हो गया अपना पूरा। अभी बज रहे हैं रात के 9, तो बस हम अभी पहुंच के गाड़ी पार्क करके हम अपने रूम में आ गए हैं। हम बस खाना वाना खा के सोते हैं, और बताइए ये ब्लॉग कैसा है। जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, कीप वॉचिंग। ओके गाइस, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम, बाय बाय।